मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस अच्छे दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज के वचन मनन के लिए कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 12वां वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। मैं उर्दू में पढ़ूंगा कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 12वां वचन। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मीरास का हिस्सा पाए। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के संतान धन्यवाद के हृदय के साथ उद्धार के वो खुशी को अनुभव करते हुए उस आनंद को इस अंधकार में पड़े हुए लोगों के बीच में फैलाएं, इस ज्योति को फैलाएं। हम परमेश्वर को कितनी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, हम पिछले दिनों में इन विषयों को हम सीख रहे हैं। परमेश्वर को जानने के पहले हमारी प्रार्थनाएं संसारिक बातों के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए हम परमेश्वर के सामने विनतियां करते थे, और जब हमारी इच्छाएं पूरी होती थी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, क्योंकि हमें लगता था कि अगर हमने धन्यवाद नहीं दिया तो शायद आगे की मिलने वाली आशीषों में रुकावटें बन जाएंगी। जब हम अपनी पुरानी प्रार्थनाओं को जरा देखें हमें शर्म आएगा, क्योंकि हमारी ज्यादातर प्रार्थनाएं संसारिक चीजों के लिए ही थी, क्योंकि हमारी नजरों में वही तो सबसे कीमती चीजें थी। परमेश्वर बड़े आराम से हमारी ये प्रार्थनाओं का जवाब दे सकता था, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, परम अधिकारी है, सब चीजों के ऊपर उसी का अधिकार है। इतना सिर्फ नहीं, सारी सृष्टि का बनाने वाला हमारा परमेश्वर ही तो है। लेकिन हमें परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमारी आंखों को खोल दिया ताकि हम सत्य को जान सके कि हमें एक ऊंची बुलाहट है, एक बड़ी आशा है जो इस संसार की चीजों से कितनी और बहुमूल्य है। और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, बहुमूल्य इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने हम पर प्रकट करके दिया है। अब जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं हमें परमेश्वर को इस धन्य आशीष के लिए कितना धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें अपना पुत्र होने के योग्य बना दिया है। एक समय हम अंधकार के संतान थे और हम वो चीजें करते थे जो परमेश्वर के इच्छा के बिल्कुल विपरीत थी, हम परमेश्वर के दुश्मन थे। लेकिन अब हमें जब उसने अपना वारिस होने के लिए चुन लिया है और इस संसार परमेश्वर के संतानों के साथ, ज्योति के संतानों के साथ हमें मीरास हिस्सा में जब दिया है, तो हमें कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, कितना उसके इच्छा के अनुसार हमें अपने आप को सौंपना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान काफी नहीं है, ये ज्ञान लाभ नहीं पहुंचाएगा हमारे आत्मिक जीवन में। इस ज्ञान ने आज्ञाकारिता में बदलना है और सेवा में परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा दिखनी चाहिए, और तभी जाकर हमारा व्यक्तित्व बदलेगा। और परमेश्वर यही तो हमारे जीवन से चाहता है। जब हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में बदलता है तब हम और नम्र होंगे और परमेश्वर को उतना धन्यवाद देंगे, और तभी हम मसीह जीवन के उस आनंद को अनुभव कर पाएंगे। एक व्यक्ति जो मसीह जीवन के आनंद को खुश अनुभव करता है, उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो बुड़बुड़ाता नहीं है, वो हताश नहीं होता। लेकिन बिल्कुल विपरीत, उसके जीवन में परमेश्वर ने किए अच्छे कामों को वो मनन करता है और प्रभु को धन्यवाद देता है और दूसरों के साथ इन चीजों को बांटता है। परमेश्वर ने अपने संतान को दिया सबसे बड़ी आशीष कौन सी है कि वो हमेशा इस बात को याद करता है कि परमेश्वर ने मुझे अपना वारिस बनाया है। इससे बड़ी आशीष प्रभु ने
मेरे लिए और कुछ नहीं रखी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें योग्य बनाया है, हमें लायक बनाया है ताकि हम इसके योग्य बन सके। तो हम इन दिनों में जब स्वर्ग जाने की इंतजारी में हैं, मसीह के साथ अनंत काल वास करने की उस अनुभव के लिए जब हम इंतजार कर रहे हैं, इन दिनों में बहुत जरूरी है कि प्रभु ने हमें दिए हुए वो अधिकार को अपने जीवन में इस्तेमाल करें और उस परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सके। परमेश्वर ने हमें दी हुई इस आत्मिक आशीषों को हमने पाना है क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए दिया है मसीह यीशु में, लेकिन इनको अनुभव करना है तो हमें आत्मिक तौर पर बढ़ना है, पुराने मनुष्य को दबाए रखना है और प्रतिदिन जब हम मसीह यीशु में इन आत्मिक आशीषों को अनुभव करते हैं तो हम उतना ज्यादा परमेश्वर के आभारी होते हैं और हमारा स्वर्गीय पिता के साथ संबंध और मजबूत होता है। हम सब कालेब और यहोशू को जानते हैं जो वायदे किए देश में जब पहुंच गए, उन्होंने इस देश को जब वश में लिया, उनका विश्वास कितना बढ़ गया और दूसरों के फैसले के लिए वो इंतजार नहीं कर रहे। इन्होंने अपना मन ठान लिया है कि हम अपने परिवार सहित परमेश्वर की सेवा करेंगे। यही है असली मसीह जिंदगी। ध्यान रखें, हमारा आनंद तात्कालिक नहीं है। जो खुशी प्रभु ने ये संसार की चीजों से मिलती है, जब वो चले जाती हैं ये खुशियां भी खत्म हो जाती हैं। सो आइए परमेश्वर हमें इन दिनों में मदद करें कि हम परमेश्वर ने अपने वारिस बनने का वो ऊंचा बुलाहट जो हमें दिया है उसके हम आभारी हों और प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करे कि इस आत्मिक ज्ञान में हम बढ़ें और आज्ञाकारिता के साथ हम इन दिनों में आगे चल सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु, एक अच्छे दिन के लिए, इस ऊंचे बुलाहट के लिए जिसके लिए आपने हमें योग्य बनाया मसीह यीशु में। प्रभु हमें अपना वारिस बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं बाप इन दिनों में आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए और प्रभु आपके योग्य जीवन बिताने के लिए हम एक एक को सहायता करें। आप आज हमारे साथ हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, उस उपस्थिति को एहसास करते हुए चलने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं कि ये सब भलाइयों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम हरेक को आज के दिन सहायता करें कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के महिमा के लिए आज के दिन जी सकें, अपने उस ऊंचे बुलाहट के अनुसार का हमारा जीवन हो जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।